Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my new vlog. So guys, like today is 10th of June. So आज हम जा रहे हैं अपना कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाने. लेट्स सी क्या होता है सेकेंड डोज के बाद, बिकॉज फर्स्ट डोज के बाद तो हमें कुछ एज सच सिम्टम्स नहीं नज़र आए थे, बट सेकेंड डोज के बाद क्या होता है लेट्स सी एंड देखती हूँ अभी कैसा एटमोसफेयर है ना, आप लोगों को भी दिखाती हूँ. सो स्टे ट्यून. वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके. गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर, अभी अंदर ही जा रहे हैं. वेट कर रही हूँ सागर का, ये आएगा तो फिर हम दोनों जा रहे हैं अंदर. लेट्स सी इस बार कैसा इन लोगों का प्रोसीजर है वैक्सीनेशन लगाने का. ओ गॉड, बाहर तो भीड़ लगी हुई है, अभी दिखाती हूँ. सो अब हम जा रहे हैं साइड टू पे, हमारा वैक्सीनेशन है. सो साइड टू पे हमें चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ते हैं देन हमें मिल जाएगा अपना डेस्टिनेशन, फिर वहाँ पे लगाएंगे हम वैक्सीनेशन. वाओ, डेस्टिनेशन एंड वैक्सीनेशन, व्हाट अ राइम. गलत जगह गए थे तुम तो हैं? नहीं, हमारा साइड टू पे है ना, तो साइड टू पे लगेगा. सो यहीं पे लगेगा हमें वैक्सीनेशन. तुम्हें मेल भेज दूँ क्या, ये लाइन लगी है कि क्या है? अच्छा भाई साहब, आज तो लाइन लगी हुई है बड़ी सी. सो आज हमें वेट करना पड़ रहा है बिकॉज लाइन लगी हुई है. नंबर आएगा जब हम अंदर जाएंगे. सो अभी मैं लाइन में खड़ी हूँ, लाइन में आप सब आज वेट कर रही हूँ. क्या हुआ? स्कूल की क्लास में नंबर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद ऐसे बैठ रहे हैं. सागर यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं बैठना तो कोई, यहाँ बैठना है. अच्छा सागर अलग अलग वाले चेयर पे बैठ गया, मैं अलग वाली चेयर पे बैठ गई. सो उनसे पहले भी काफ़ी लोग हैं, सो वेट करना पड़ रहा है देन वैक्सीनेशन लगेगा. और ये स्लिप हमें मिल गई है जिसमें डिटेल्स लिखी हुई है कौन सी वाली वैक्सीन लगेगी. सो वेटिंग एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ आगे क्या सी. दूसरी वाले रूम में हम लोग बैठ गए हैं, सो स्टिल वेटिंग. आधे घंटे के लिए वेट करना है तो चेक, कहीं बुखार तो नहीं आ रहा है. अगर बुखार आएगा तो पैरासीटामोल ले. तुमसे भी बोला, सबसे पूछ रहे ना खाना खाया नहीं खाया. फाइनली हमें दोनों डोज लगी हैं कोवैक्सीन की एंड अभी आधा घंटा हमने वेट भी कर लिया है. सो कोई सिम्टम नहीं है, इवन हमारे हाथ पे पेन भी नहीं है. और लेट्स सी, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ सिम्टम होते हैं बॉडी में या नहीं होते हैं सेकेंड डोज के बाद, वो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. डोज लग गई, बल्ले बल्ले कैसा लग रहा है सेकेंड डोज लगा के? सेकेंड डोज लगा के कुछ लग नहीं रहा, एक होप आई है कि नाउ वी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ अगेन. आई होप एंटायर वर्ल्ड इज आउट ऑफ दिस मेस वेरी सून, विल गेट आउट ऑफ दिस मेस वेरी सून. एंड प्रोटेक्शन भी तो देगी, दोनों डोज लग गई हैं तो. आई बिलीव एंड आई होप सो. अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी हैप्पी. लेट्स सी क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है. मैं नहीं जा रही हूँ. अब हम बैठ गए हैं कैब में और जा रहे हैं घर. घर जाके करते हैं रेस्ट देन करती हूँ मैं अपडेट. तो गाइस अभी वैक्सीनेशन लगाए हुए लाइक 3-4 घंटे हमें हो चुके हैं, ऐसा सच कुछ सिम्टम अभी तक नज़र नहीं आया है. अगर 24 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आता है वैक्सीनेशन लगाने के बाद तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कुछ आपको होगा या बुखार वगैरह या कुछ दर्द वगैरह. बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैंने वैक्सीन लगाई थी तो मेरे मसल में पेन था फॉर 2 डेज़, बहुत लाइट पेन था बट पेन था. इस बार मुझे कोई पेन नहीं है, ना ही मसल्स में है ना ही बॉडी में है, अभी तक कोई पेन नहीं है ना ही बुखार आया है, होप सो आगे भी ना आए.
एंड मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने उसमें भी बहुत डीपली बताया है कि फ़र्स्ट डोज के बाद क्या हुआ, कैसे क्या हुआ था, सब चीज़ मैंने अपडेट किया। यू कैन हैव अ लुक टू दैट वीडियो ऑल्सो, एंड मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, हम कल वैक्सीनेशन लगाने गए थे, हमें 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो मुझे कोई सिम्टम नहीं नज़र आ रहा है। और सिम्टम से आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, बिकॉज जब भी कोई वैक्सीनेशन लगता है तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगता है तो उससे हल्का फुल्का बुखार आता है, तो वही ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। बॉडी टू बॉडी, बॉडी डिफरेंट होती है हर किसी की, तो हल्का सा बुखार आ रहा है किसी को, या हल्का सा बॉडी में पेन हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। बिकॉज काफ़ी र्यूमर्स वैक्सीनेशन को लेके फैल रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है गाइस, वैक्सीनेशन बिल्कुल आपको लगानी चाहिए, बट उसके लिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, जिससे जो बुखार भी है वो भी ना आएगा। बिकॉज मेरे केस में ना ही मुझे बुखार आया है, ना ही मेरा मसल पेन है, और ना ही मेरा कुछ हेडेक वगैरह है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा। मैंने वैक्सीनेशन लगा चुकी हूँ, बट मेरे हस्बैंड को उनके हाथ में पेन है, जो लास्ट टाइम भी जब फर्स्ट डोज लगाया था जब भी वो पेन था, तो उनका मसल में हल्का हल्का पेन है। वो हो सकता है बिकॉज इंजेक्शन मसल में लगा है इसीलिए हो रहा है। मुझे लगता है मेरी बॉडी फर्स्ट टाइम में यूज टू हो गई थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे मसल में भी पेन हुआ था, बट नाउ दिस टाइम मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी गाइस, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन कराइए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाइए कोविड करोना से, बिकॉज करोना से आप लोग भी देख रहे होंगे कितना ज़्यादा डेथ हो रही है, डेथ केस हो रहे हैं। तो उसके लिए मेन है कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट दे रही है, तो उसको यूज़ करना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको, और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाए। बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे र्यूमर्स पे ना जाएं, अफवाहों पे ना जाएं बिल्कुल, कि वैक्सीनेशन लगाने से ये होता है या ये होता है। इवन अब तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनके लिए भी वैक्सीनेशन आ गई है, वो फीमेल्स भी लगा लेते हैं, बिल्कुल सेफ है। तो जाइए जल्दी और वैक्सीनेशन लगाइए, और ऑल द बेस्ट गाइज। एंड यही आज का वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।